नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं दक्ष शर्मा और आज हम दुनिया की सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ों के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्हें कहते हैं किताबें। आज जिस किताब के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो किताब है अक्टूबर जंक्शन, जो दिव्य प्रकाश दुबे जी ने लिखी है और इसका प्रकाशन है हिंदी युग्म प्रकाशन। नई वाली हिंदी के बारे में आपने सुना होगा, नई वाली हिंदी जो बहुत चर्चित है पिछले कुछ सालों से, ये किताब उसी दौर से उसी जानिब से आती है। ये किताब मेरी पसंदीदा किताब रही है और आज भी है, क्योंकि इसके कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आपको ये किताब क्यों पढ़नी चाहिए और क्यों नहीं पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमें ये किताब क्यों पढ़नी चाहिए। यह किताब बहुत सरल भाषा में, बहुत सहज भाषा में लिखी गई है। इसमें ऐसा कोई भी शब्द नहीं है जिसके लिए आपको डिक्शनरी उठाकर वो शब्द ढूंढना पड़े। कई लोगों को हिंदी पढ़ने में कई बार दिक्कत होती है, हमारे देश में हिंदी उपन्यास बहुत कम पढ़े जाते हैं, तो ये बहुत छोटा 150 पेज का उपन्यास है। इसमें ऐसी कोई भी भाषा नहीं है जिसके लिए आपको हिंदी डिक्शनरी खोजनी पड़े, आपको हर बात बहुत आसानी से समझ आती है। इस कहानी के थ्रू बनारस, न्यू दिल्ली, टोक्यो, मुंबई ऐसी जगहों पर आपको घूमने का मौका मिलेगा। इवन मेरी जो क्यूरियोसिटी थी वो इतनी जाग गई थी कि मैं इस किताब की वजह से बनारस घूमने गया था और मैंने वो एक्सपीरियंस लिया जो इस किताब में लिखा है। तीसरी बात, ये किताब आपको हर एक रिश्ते के बारे में समझाती है, चाहे वो आपका पिता के साथ रिश्ता हो, चाहे वो आपकी प्रेमिका के साथ रिश्ता हो, चाहे वो आपकी दोस्ती हो, या किसी अजनबी के साथ कैसे रिश्ता बन सकता है, उस पहलू पर भी ये किताब बहुत प्रकाश डालती है। इस किताब में इंतज़ार, प्रेम और दोस्ती के बहुत अच्छे ढंग दिखाए गए हैं। इस किताब को पढ़ते वक्त मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया और मैं सभी जितने भी नए पाठक हैं, जिन लोगों ने कभी हिंदी नहीं पढ़ी है या जिन लोगों ने कभी उपन्यास नहीं पढ़ा है या जो लोग हिंदी पढ़ना चाहते हैं या शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए सभी के लिए बुक रिकमेंड करता हूं कि ऐसी कोई भी कठिनाई आपको नहीं आने वाली है, तो आप इस किताब को ज़रूर पढ़ें। इस किताब का मूल्य केवल 120 या 125 रुपए है मैक्सिमम, और आप इसे अमेज़ॉन से ख़रीद सकते हैं। बाकी अब बात करते हैं कि ये किताब क्यों नहीं पढ़नी चाहिए। तो दरअसल वास्तविकता में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है कि आपको ये किताब नहीं पढ़नी चाहिए। आप किसी भी प्रोफेशन से हैं, आप किसी भी उम्र से हैं, आप ये किताब पढ़िए, ये आपको बहुत सुंदर अनुभव देने वाली है। और ये किताब मैं अपने एंड से सभी को रिकमेंड करता हूँ, खासकर उनके लिए जिन्हें हिंदी नई नई शुरू करनी है या जिन्हें प्रेम से बहुत प्रेम है। इस किताब के बारे में इतनी ही बातें मेरी तरफ से, शुक्रिया। अब और इस चैनल पर हम कविताओं, कहानियों और किताबों के बारे में बात करते हैं, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।